हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। चलिए आज फिर आपके लिए बॉलीवुड की कुछ और इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेकर आई हूँ, आई होप आपको पसंद आए। 1984 में जितेंद्र की एक फिल्म के आगे पस्त हो गए थे धर्मेंद्र और अमिताभ। नहीं काम आया था राजेश खन्ना का भी स्टारडम। साल 1984 में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जितेंद्र के लिए काफी लकी साबित हुआ था, क्योंकि उस साल उनकी एक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा कब्जा कर लिया था कि उसके आगे सारे सुपरस्टार पस्त हो गए थे। तो चलिए आपको जितेंद्र की उस फिल्म के बारे में बताते हैं। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जितेंद्र ने अपनी एक फिल्म से साल 1984 में बॉक्स ऑफिस पर खूब हंगामा मचाया था और उनकी इस फिल्म के आगे धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन ही नहीं बल्कि राजेश खन्ना का स्टारडम भी कुछ खास काम नहीं आया था। आपको साल 1984 की उन पांच फिल्मों के बारे में बताते हैं जो उस साल की पांच सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। उन फिल्म में जितेंद्र की फिल्म सबसे टॉप पर थी, जिसने उस साल बॉक्स ऑफिस पर कब्जा ही कर लिया था। नंबर वन की बात करें तो तोहफा। जितेंद्र की यह फिल्म लोगों को बेहद पसंद आई थी और रिलीज के साथ ही यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी। अगर विकिपीडिया के आंकड़ों की बात करें तो विकिपीडिया के आंकड़ों के अनुसार साल 1984 की यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। इस फिल्म में जितेंद्र के अलावा जया प्रदा और श्रीदेवी भी लीड रोल में नजर आई थी। जितेंद्र ने इस फिल्म से ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचाया था बल्कि इस फिल्म के बाद उनके करियर को काफी उछाल भी मिला था। नंबर दो की बात करें तो मकसद, जो कि साल 1984 की यह जितेंद्र की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। रिलीज के साथ ही यह फिल्म लोगों के बीच काफी मशहूर हो गई थी और बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई भी की थी। इस फिल्म में जितेंद्र के साथ राजेश खन्ना, जया प्रदा और श्रीदेवी भी लीड रोल में थी। इस फिल्म पर भी दर्शकों ने भरपूर प्यार लुटाया था। नंबर तीन की बात करें तो राजतिलक। धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, कमल हसन, राजकुमार और प्राण स्टारर यह फिल्म अपने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचाने लगी थी और साल 1984 की यह तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। इस फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद भी किया था। नंबर चार की बात करें तो शराबी। अमिताभ बच्चन की यह फिल्म आज भी लोगों के बीच काफी मशहूर है। साल 1984 की यह चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के अलावा जया प्रदा और प्राण भी अहम भूमिकाओं में थे। रिलीज के साथ ही यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी और इसके लगभग गाने भी सुपरहिट हुए थे। नंबर पांच की बात करें तो धर्म और कानून। राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, जया प्रदा और आशा पारेख स्टारर इस फिल्म को भी काफी पसंद किया गया था। इस फिल्म की कहानी काफी दमदार थी और रिलीज के साथ ही यह बॉक्स ऑफिस पर हिट भी हो गई थी। इस पर दर्शकों ने अपना भरपूर प्यार भी लुटाया था। इस फिल्म के जरिए राजेश खन्ना और धर्मेंद्र की जोड़ी बड़े पर्दे पर छा गई थी। साल 1984 की यह पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।